क्या हाल है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। इसे जानने से पहले आपको कुछ बेसिक जानना जरूरी है, लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। फॉर सिंपलिसिटी आप जान लो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एक हैवियर एटम की न्यूक्लियस ब्रेक हो जाती है टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जब न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम 235 ब्रेक हो जाएगी बेरियम 141 और क्रिप्टन 92 में, और साथ ही 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होगी। अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज करके एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस फॉर्म करेगी और एनर्जी रिलीज होगी। ये जनरली स्टार्स में लाइक सन में होता है। सन के कोर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन करके हीलियम प्रोड्यूस करती है और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एक बार जान लो दोस्तों, जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जनरेट होती है वो बहुत ह्यूज होती है कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जान लिया। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्या है इंडिया का 3-स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। उससे पहले आप ये पिक देख लो, आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो डिफरेंस मैंने अभी बताया उनके अलावा और क्या डिफरेंस है। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इंडिया की 3-स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होमी जहांगीर बाबा ने फॉर्मुलेट किया था। होमी भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि होमी भाभा ने 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ही क्यों डेवलप किया। तो देखो दोस्तों, इंडिया में 1-2% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व है, बट 25% ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व है। यूरेनियम फिजाइल मटेरियल होती है, सो जब न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है तो यूरेनियम 2 स्मॉल न्यूक्लियाई बेरियम 141 और क्रिप्टन 92 में ब्रेक हो जाती है और एनर्जी रिलीज करती है, और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं। वहीं थोरियम फर्टाइल मटेरियल होती है, सो थोरियम से डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोरियम को ट्रांसम्यूट किया जाता है यूरेनियम 233 में इन रिएक्टर, सो दैट एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। सो इंडिया में इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ थोरियम रिजर्व को देखते हुए होमी भाभा ने 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, सो दैट इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके यूरेनियम रिजर्व का यूज करके और अपने सरप्लस थोरियम रिजर्व को यूज करके। फर्स्ट 2-स्टेज का मेन एम है सफिशिएंट फिजाइल मटेरियल जनरेट करना अपने लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्स से, और इस फिजाइल मटेरियल और थोरियम रिजर्व का यूज करके 3rd स्टेज में एनर्जी प्रोड्यूस करना। होमी भाभा का मेन एम था कंट्री के लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना। एक और बात दोस्त, ये यूरेनियम और थोरियम रिजर्व मोनाजाइट सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सैंड साउथ कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। अब आपने इस प्रोग्राम का ओवरव्यू जान लिया, अब हम लोग जानते हैं इंडिया के 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को और डिटेल में। चलिए पहले जानते हैं 1st स्टेज के बारे में। यहाँ पर आप एक बात जान लो दोस्तों, 1960 में इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी क्रिएट करने में फोकस नहीं करेगी, रेदर हैवी वाटर प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट करेगी। एक और बात दोस्तों, हैवी वाटर रिएक्टर अन इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करती है, यानी कि नेचुरल यूरेनियम का यूज करती है, वहीं लाइट वाटर रिएक्टर इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करती है। ये इनरिच्ड यूरेनियम और नेचुरल यूरेनियम कैसे डिफरेंट है वो हम वीडियो के आगे जानेंगे। 1st स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज होता है, इस स्टेज में नेचुरल यूरेनियम फ्यूल यूज होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा आइसोटोप्स के बारे में जान लो तो आपको इस स्टेज को समझने में और आसानी होगी। आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। वही एटॉमिक मास नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला प्रोटियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास नंबर 1 होती है। देन ड्यूटेरियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास नंबर 2 होती है। थर्ड ट्राइटियम, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर 3। अब आपने आइसोटोप्स के बारे में जान लिया। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी बोला कि 1st स्टेज में नेचुरल यूरेनियम यूज होती है एज अ फ्यूल। तो नेचुरल यूरेनियम में 99.30% यूरेनियम 238 और 0.70% यूरेनियम 235 होती है। यूरेनियम 238 फर्टाइल आइसोटोप होती है और यूरेनियम 235 फिजाइल आइसोटोप होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फर्टाइल आइसोटोप और फिजाइल आइसोटोप क्या है। तो देखो दोस्तों, जब न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग फर्टाइल आइसोटोप्स पर होती है तो फर्टाइल आइसोटोप्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके एक न्यू फिजाइल आइसोटोप क्रिएट करती है। यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 क्रिएट करती है। आप इस इमेज को देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। वहीं अगर फिजाइल आइसोटोप्स पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग होती है तो वो आइसोटोप्स 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है और एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर आप एक और बात जान लो दोस्तों, आपने सुना होगा कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रही है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो आखिरकार ये यूरेनियम इनरिचमेंट क्या है वो चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल यूरेनियम में 99.30% यूरेनियम 238 होता है और 0.70% यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 238 क्या है? वो फर्टाइल आइसोटोप है। वहीं यूरेनियम 235 फिजाइल आइसोटोप है। तो नेचुरल यूरेनियम
यूरेनियम में फिजाइल आइसोटोप्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना यानी 0.70% से उसे इंक्रीज करके 2-3% ले आना, यही यूरेनियम इनरिचमेंट होता है। दोस्तों आपने जान लिया, फर्स्ट स्टेज में नेचुरल यूरेनियम का यूज होगा। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 238 जो फर्टाइल है वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 फॉर्म करेगी और फिजाइल आइसोटोप यूरेनियम 235 एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। आप इस इमेज को देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम हैवी वाटर यानी कि D2O करती है। ये मॉडरेटर क्या करती है, ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो डाउन करती है और ये कूलेंट का भी काम करती है। इस स्टेज में कंट्रोल रॉड्स का भी यूज होता है जो बोरोन या कैडमियम के बने होते हैं। ये कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है और फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करती है। यही है फर्स्ट स्टेज दोस्तों। इस स्टेज को NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। अब जानते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज किया जाएगा। इस स्टेज में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल जो कंपोज्ड होगा प्लूटोनियम 239 और नेचुरल यूरेनियम से उसे यूज किया जाएगा। प्लूटोनियम 239 फिजाइल आइसोटोप है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और यूरेनियम 238 जो फर्टाइल आइसोटोप है वो प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करेगी और यूरेनियम 235 एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो दोस्तों इस स्टेज में प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 ये दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करेगी। मतलब इस स्टेज का मेन एम है एनर्जी प्रोड्यूस करना और साथ ही साथ प्लूटोनियम 239 का स्टॉक क्रिएट करना। ये स्टेज जितना फ्यूल कंज्यूम करती है उससे ज्यादा फ्यूल ये ब्रीड करेगी। इस स्टेज में मॉडरेटर का यूज नहीं किया जाएगा। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन किया जाएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ICGAR के द्वारा। भारतीय नभिकीय विद्युत निगम भवानी बिल्ड करेगी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को और ऑपरेट भी करेगी। तो देखो दोस्तों फर्स्ट टू स्टेज का मेन एम क्या है। फर्स्ट टू स्टेज का मेन एम है प्लूटोनियम 239 का स्टॉक क्रिएट करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना, इनका ये सेकेंडरी एम है। लेकिन प्राइमरी एम है प्लूटोनियम 239 का स्टॉक क्रिएट करना जिसे थर्ड स्टेज में यूज किया जा सके थोरियम के साथ। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों थर्ड स्टेज के बारे में जो कि इस प्रोग्राम का लास्ट स्टेज है। थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर का यूज किया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया के पास 25% ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व है और उसे हम लोग को यूटिलाइज करना है। तो थोरियम को इस स्टेज में यूटिलाइज किया जाएगा। इस स्टेज में नेचुरल थोरियम और प्लूटोनियम 239 यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल। नेचुरल थोरियम 232 फर्टाइल आइसोटोप है तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करेगी जो कि एक फिजाइल आइसोटोप है और ये फिजाइल आइसोटोप फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। वहीं प्लूटोनियम 239 जो ऑलरेडी फिजाइल आइसोटोप है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। बट इस स्टेज तक पहुंचने में इंडिया को 2050 तक का टाइम लग जाएगा। थोरियम बेस्ड रिएक्टर बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेवलप करेगी और वही इसे ऑपरेट भी करेगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग इस थ्री स्टेज में कहां पे स्टैंड करते हैं। तो देखो दोस्तों इंडिया ने फर्स्ट स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इंडिया ने इस स्टेज को 22 ऑपरेशनल रिएक्टर जो 7 न्यूक्लियर साइट के हैं उससे इस स्टेज को अचीव किया। ये देखो दोस्तों इनकी लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग इतना न्यूक्लियर एनर्जी पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों अभी इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसमें कोल एक मेजर रोल प्ले करती है। ये लिस्ट देखो आपको पता चलेगा कि कोल से कितना इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोड्यूस करती है। बट कोल क्या है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स और वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक टाइम के बाद कोल एंड हो जाएगा तो फिर इंडिया क्या करेगी। इसलिए इंडिया अपने थोरियम रिजर्व को यूटिलाइज करना चाहती है ताकि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सके। इंडिया दूसरे कंट्री पे कोल या दूसरे रिसोर्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रहे। तो दोस्तों फर्स्ट रीजन यही है, इंडिया अपने 25% थोरियम रिजर्व को यूज करना चाहती है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिलायबल इसलिए क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है लाइक सोलर एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों क्लाउडी सीजन में सोलर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। जैसा कि आपके पास सोलर पैनल होगा, वो सोलर पैनल कब चार्ज होता है, जब सफिशियंट अमाउंट में लाइट रहती है तभी सोलर पैनल अच्छे से चार्ज हो पाता है। वहीं अगर क्लाउडी सीजन है तो सोलर पैनल अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह से रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। वही न्यूक्लियर एनर्जी एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये इन सब फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इंडिया के पास रॉ मटेरियल है तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्लीन इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट नहीं करती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्मल पावर प्लांट जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करती है और अदर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करती है जो एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी में सब मेरिट्स ही है। इसमें वन ऑफ द मेजर डिमेरिट्स, पहला तो ये कि आपने हिस्ट्री में चेर्नोबिल जरूर पढ़ा होगा कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होती है तो वो कितना मैसिव डिजास्टर करती है, उस डिजास्टर का इंपैक्ट जनरेशन तक दिखता है। और दूसरा ये कि जब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट भी क्रिएट होता है और उस न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन फिर भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने थोरियम रिजर्व को यूज करें और एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सके। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी इंडिया की थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।